हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में फिजिक्स एंड यू में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने मेथड हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। हमारे पास बेसिकली चार मेथड हैं। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड, सेंसिटिव फ्रेम मेथड, थर्मल मेथड और पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। इन चार मेथड की मदद से हम अल्ट्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड। ये कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड में हमें सब बेसिकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो होती है ट्यूब, ग्लास ट्यूब बोल लीजिए, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव भी बोलते हैं। हमें लाइकोपोडियम पाउडर की ज़रूरत होती है और अल्ट्रासोनिक वेव की ज़रूरत होती है। अब हम करते हैं क्या है, कॉन्स ट्यूब में लाइकोपोडियम पाउडर को फिलअप कर देते हैं, जो कि एक स्कैटर्ड फॉर्म में हम फिलअप करते हैं। फिर हम एक एंड से अल्ट्रासोनिक वेव को मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हो। अब होता क्या है, जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव उस ग्लास ट्यूब में मूव करती है तो वो क्या है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट फॉर्म करती है। जैसे ही स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव क्रिएट फॉर्म होती है, उसकी वजह से जो स्कैटर्ड पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर होता है, वो हीप्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, जैसा कि एनिमेशन में विजिबल है। दो हीप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय टू। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, तो हम उस अल्ट्रासोनिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक मेजर कर सकते हैं, बेसिकली उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा हमने निकाल लिया लैम्डा बाय टू, तो इसको यूज करके आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। और ये जो मेथड है बेसिकली लॉन्गर वेवलेंथ अल्ट्रासोनिक वेव को मेजर करने में बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ आपको मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।